गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम नेहा. आई होप यू ऑल आर गुड. दिस इज़ योर मोरल बुक. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 7. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 7. चैप्टर नेम इज डबल इट अप. चैप्टर नेम इज डबल इट अप. इन दिस स्टोरी वी विल स्टडी दैट अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड्स बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अर्थ हमें प्रोवाइड कराती है, धरती हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराती है जिससे क्या हो पाए, इंसानों की जो नीड है, ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें. लेकिन कभी भी लालची लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं. जो उनका लालच होता है वो पूरा कभी नहीं हो पाता है. लेट्स डिबेट का टॉपिक क्या है? वाई शुड वन नॉट बी ग्रीडी. ग्रीडी क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. रोहन एंड सुधा लिव इन तंजारो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. रोहन वर्क इन द राइस फील्ड ऑफ अ लोकल लैंडलॉर्ड फॉर 6 months अ ईयर. क्या हुआ था, रोहन और सुधा एक तंजारो जगह पे रह रहे हैं जो तमिलनाडु में है, स्टेट में है, तमिलनाडु के स्टेट में है. और जो रोहन है वो वर्क करता है राइस फील्ड में जहाँ पैडीज ग्रो कराते हैं, और वो लोकल लैंडलॉर्ड के यहाँ 6 months काम करता है एक साल में. इन टर्न ही रिसीव 4 sacks ऑफ राइस एज सैलरी. और उसके काम करने के उसमें उसको क्या मिलता है उसके बदले में, उसको 4 sacks मतलब 4 bore उसको राइस के मिलते हैं सैलरी के रूप में. ही वुड देन सेल 3 of them इन द लोकल मार्केट एंड कीप 1 sack फॉर हिमसेल्फ फॉर फूड. क्या है, तीन जो बोरे चावल रहते हैं वो लोकल मार्केट में बेच देता है और एक अपने लिए रख लेते हैं फूड के लिए. एट द लोकल मार्केट ही वुड एक्सचेंज द राइस फॉर वेजिटेबल फ्लोर एंड ग्रॉसरीज. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लोकल मार्केट में वो चावल को एक्सचेंज करके वेजिटेबल और फ्लोर और ग्रॉसरीज का सामान खरीदते हैं. सुधा वुड डू द कुकिंग एंड वॉशिंग, लुक आफ्टर द होम. क्या करती है, सुधा कुकिंग और वॉशिंग का काम करती है और अपने घर में घर की देखभाल करती है. 1 year देयर वॉज अ सर्वर ड्रॉट. क्या हो गया, एक साल ऐसा आया जब क्या हो गया, बहुत ही सूखा पड़ गया हर जगह. देयर वॉज नो रेन, द राइस फील्ड ड्राइड अप. क्या हो गया, जो उनकी राइस फील्ड था वो क्या हो गया, सूखा रह गया जहाँ रेन नहीं हुई, जिसकी वजह से चावल की खेती नहीं हो पाई. बाय अप्रैल द टू वर गेटिंग टायर्ड of eating nothing but rice. तो वो जो अप्रैल का टाइम था, इसमें क्या हुआ कि वो जो दो लोग थे उनको वो ट्राई कर रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था सिर्फ चावल के अलावा. सो वन डे दे डिसाइडेड टू गो डिक द फॉर टू बर्ड्स. तो वो कुछ वो क्या वो दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि क्या करेंगे, वो कुछ जगह खोदेंगे और वहाँ से जड़ कुछ निकालेंगे. ठीक है, दे टुक एक्स टू कट firewood and set off. तो और क्या करेंगे, एक्स लेके जाएंगे और firewood कट करके लेके आएंगे. थ्रू आउट द डे रोहन कट द ब्रांचेस एंड सुधा सर्च अराउंड द फॉर ट्यूबर्स एंड मशरूम. ठीक है, तो वो ट्यूबर्स और मशरूम को ढूंढने के लिए सर्च कर रही थी सुधा, और रोहन क्या कर रहा था, ब्रांचेस कट कर रहा था. इन द इवनिंग दे सेट अंडर अ ट्री एक्स हॉस्ट. रोहन पुट डाउन हिज एक्स नियर बाय एंड लीन हर बैक tightly against a tree. क्या हुआ, रोहन ने एक शाम, वो लोग क्या हो गए थे, बहुत ही थक गए थे, तो वो क्या हुआ, एक पेड़ की छांव में बैठ के रोहन ने अपनी एक्स रखी अपने पास में, और वो क्या हो गया, पेड़ की आड़ में क्या हो गया, लेट गया, मतलब उसी में लेट क्या गया, टेक लेके बैठ गया और अपनी स्पीड को सीधी करने लगा. एज ही पुट इट डाउन द एक्स, जैसे ही वो अपनी एक्स को रखने लगा तो क्या हुआ, द एक्स फेल थ्रो. क्या होगी, उसकी एक्स गिर गई. What he thought was solid ground was in fact a large hole covered by a grass. जहाँ वो क्या सोच रहा था, पेड़ की आड़ में जहाँ बैठा था वहाँ सोच रहा था कि वो बड़ा सा जो है वो सॉलिड ज़मीन है, मतलब एक ज़मीन है, तो अपनी एक्स रखेगी तो वो उसके पास रहेगी, बट वो एक ग्रास से ढका हुआ एक होल, लार्ज होल था, बड़ा सा क्या था, गड्ढा था. He frantically dug up the grass and weeds. As his axe was very precious to him. क्या था, वो फ्रेंटिकली क्या किया, उसने देखा कि डक करके ग्रासेस को हटा के देखा, जब हटाया तो उसकी वीट ग्रास जो एक्स थी वो बहुत ही उसके लिए क्या थी, कीमती थी. एंड वॉट डिड ही फाइंड,
उसने क्या देखा, उसने क्या ढूंढा, अ लार्ज कॉपर वेसल, एक कॉपर वेसल है, वॉज बरिड इन द अर्थ टॉल इनफ टू होल्ड हिम। ठीक है, एक लंबा सा कॉपर वेसल है वो जो कश्मीर जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, बहुत ही लंबा सा है, ठीक है, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। रोहन एंड सुधा डग अप द अर्थ अंटिल द वेसल्स वॉज अनकवर्ड। तो रोहन और सुधा को देख के अजीब सा लगा, तो क्या है उसमें से एक्स निकाली थी, इसीलिए उन्होंने आसपास की अर्थ में जमीन का गड्ढा खोदा वेसल को अनकवर्ड करने के लिए। दे लिफ्टेड इट केयरफुली एंड टर्न इट अपसाइड डाउन। तो क्या हुआ, वो अपने इस जो उन्होंने उस जब गड्ढा खोद दिया तो उसमें से जो लॉन्ग सा वेसल था उसको निकालने की कोशिश की, और धीरे से वो उन्होंने निकाला और बाहर क्या किया, निकाल लिया। सिंस द वेसल वॉज टू टॉल इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू रिमूव द एक्स। ठीक है, वेसल तो बहुत ही लंबा था, इसमें से एक्स निकालना बड़ा डिफिकल्ट था। मड रॉक डेड प्लांट्स एंड स्मॉल रेड फेल आउट ऑफ द वेसल। तो धीरे धीरे जब निकालना स्टार्ट किया तो उसमें से मिट्टी और कंकड़ और डेड एंड प्लांट्स निकले, और चूहे भी कुछ मरे हुए उसमें गिर गए थे जिसकी वजह से वो मर गए, वो भी उसके अंदर थे। एनेक्सवियसली दे सर्च द ह्यूज मोट ऑफ डर्ट फॉर देयर एक्स। तो उनको क्या करना पड़ा, ना चाहते हुए भी उन्होंने क्या हुआ, बहुत सारी जो मिट्टी है उसके अंदर एक्स को ढूंढने के चक्कर में बहुत सारी मिट्टी बाहर निकाली। सडनली रोहन फेल्ट द वुडन हैंडल एंड पुल्ड इट आउट एन एक्स। क्या है, रोहन को उसमें से क्या लगा, एक वुडन हैंडल लगा कि उसके उसने उसको लगा कि वुडन हैंडल जैसा कुछ है, तो उसने क्या किया उसको पकड़ा और खींचा। एट द सेम टाइम सुधा ऑल्सो फेल्ट अ हैंडल एंड दिस टाइम पुल्ड इट आउट अ न्यू शाइनी एक्स। उसने जब खींचा तो एक क्या निकली थी, रोहन ने जैसे उसको लगा और उसने खींचा तो एक्स निकली। एट द सेम टाइम सुधा भी उसी उसमें से खींच रही थी तो उसको भी हैंडल जैसा फील हुआ, तो उसने भी पुल आउट किया और न्यू एक शाइनी एक्स निकली। दे वर स्टंड वेयर डिड द सेकेंड वन कम फ्रॉम। अब उनके मन में क्या क्वेश्चन आया, एकदम चौंक गया अचानक से कि दूसरी एक्स आई कहाँ से, अ ब्रैंड न्यू एट दैट, और नई, वो भी नई। सडनली दे हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग देम बाय नेम। एक आवाज़ आई अंदर से उस वेसल में से, इट सेड रोहन आई एम द गार्डियन ऑफ दिस वेसल। क्या बोला रोहन, ये मैं इसका वेसल का क्या हूँ, गार्डियन हूँ, मतलब गार्जियन हूँ जो वो क्या करता है, वट एवर यू पुट इन साइड द वेसल विल डबल। तो क्या बोला उसने, मैं उस वेसल का गार्जियन हूँ, अब मैं इसमें जो भी तुम डालोगे वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बट बी वार लेकिन सावधानी से, ईच टाइम योर लाइफ विल बी रिड्यूसेस बाय टू ईयर। जितनी बार तुम डबल करोगे किसी चीज़ को, तुम्हारी ईयर उतनी ही लाइफ टाइम स्पेन कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा। द टू वर्स टोटली अमेज्ड, दोनों क्या हो गए, आश्चर्य हो गए। नेवर इन देयर लाइफ had something like this happen. Thought they realized that they could be rich. They knew that they had to be careful as their lives would be reduced each time they double an item. ठीक है, तो क्या हुआ, वो थोड़े से आश्चर्य हो गए कि कभी भी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो वो क्या सोचने लगे कि ऐसे डबल करने से वो रिच भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सावधानी से, क्योंकि हमारी उस जो रोहन की लाइफ थी वो क्या हो रही थी, कम होती जाएगी अगर हम डबल ज़्यादा करेंगे। दे डिसाइडेड द वेसल, टेक द वेसल होम। उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये वेसल को हम घर, वो घर ले जाएंगे। एट होम रोहन वॉन्ट टू ट्राई पुट द वेसल्स मैजिक। तो होम में क्या हुआ, रोहन देखना चाह रहा था वेसल का मैजिक। रोहन ड्रॉपडेड द बकेट फुल ऑफ राइस, एक बाल्टी चावल डाल उसने डाला अंदर। देन दे टर्न द वेसल सरप्राइज, और उसके बाद क्या हुआ, वेसल को घुमाया तो क्या देखा, ही फाउंड द टू बकेट फुल। रोहन जम्पड इन जॉय, और वो दोनों खुश हो गए। हग्ड द सुधा, और खुशी से वो जम किया और एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर नाउ वी ई कैन बी रिच एंड हैप्पी। अब क्या हो सकता है, उनको क्या लगने लगा, अभी अब हम लोग क्या हो सकते हैं, रिच और खुश हो सकते हैं। ही क्राइड, रोहन ने बोला। फिर सुधा, द क्लेवरर ऑफ द टू, कॉशंस रोहन लेट्स नो नॉट बी ग्रीडी। तो सुधा बहुत चलाक थी, तो उसने बोला कि दो के चक्कर में, कॉशंस याद है ना रोहन,
कि ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए. लेट्स केयरफुली डबल एवरी थिंग और वी वुड नॉट लिव टू इन्जॉय द वेल्थ. हम डबल करने के चक्कर में कहीं अपनी लाइफ से इन्जॉय ना कर पाए. इसीलिए सो दे वेंटेड अबाउट डबलिंग थिंग्स. फिर उसके बाद वो लोग क्या है, वो डबल करना सामान को बंद कर दिया. फर्स्ट दे टुक दैट एन एम्प्टी शेक. पहले उन्होंने एम्प्टी शेक देखा, फिल्ड इट इट विथ टू बकेट ऑफ राइस. और वो जो क्या किया, जो बुदो उनके जो बोरे थे उसको एम्प्टी शेक को लिया और उसको क्या कर दिया, चावल से भरा, दो बकेट ऑफ राइस से भरा. एट द मार्केट रोहन सोल्ड इट द राइस. रोहन ने क्या किया, सोल्ड कर दिया राइस को एंड हिज न्यू एक्स. और जो न्यू एक्स निकली थी उसको भी क्या कर दिया, उसने जाके बेच दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ, बॉट अ स्मॉल गोल्ड रिंग फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ. और सोनार की दुकान से एक सोने की रिंग ले आया, स्मॉल गोल्ड रिंग लेके आया, जो उसने डबल किया और सोल्ड इट द सेकेंड रिंग फॉर अ प्रॉफिट. और सेकेंड रिंग को प्रॉफिट के लिए उसने बेच दिया. ठीक है, विथ दिस दिस मनी ही ब्रॉट न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ एंड सुधा. तो क्या हुआ, जो उसको पैसे मिले उससे उसने नए कपड़े खरीदे अपने लिए और अपनी सुधा के लिए, अपनी वाइफ के लिए. सून रोहन वॉज एबल टू बिल्ड अ लार्ज हाउस. रोहन क्या चाहता था, जल्दी ही उसने एक बड़ा सा घर बना लिया. बट रोहन एंड सुधा हैड ऑलरेडी डबल्ड 12 आइटम. अब रोहन और सुधा ने 12 आइटम क्या कर लिए थे, डबल कर चुके थे. देयर लिस्ट वर नाउ रिड्यूसेस बाय 24 ईयर. और उनके जो 12 ईयर का इन्होंने जो 12 थिंग डबल की थी, 12 आइटम डबल किया था, उससे क्या हो गया, उसकी जो लाइफ थी वो 24 साल कम हो गई. इट मीन्स दैट द रोहन अ लाइफ ऑफ 80 ईयर अर्लियर. और उसकी जो लाइफ थी वो 80 ईयर्स की जो बाकी थी, ही वुड नाउ ओनली लिव फॉर 56 ईयर. अब उसकी जो ज़िंदगी है वो 56 ईयर की बस रह गई है. सो रोहन एंड सुधा डिसाइडेड नॉट टू यूज़ द वेसल एनी मोर, यूजलेस, इट वॉज रियली नीडेड. तो रोहन और सुधा ने डिसाइड किया कि अब वो वेसल को तभी यूज़ करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दे बरिड द वेसल्स इन देयर बैकयार्ड. और उन्होंने क्या कर दिया, उस वेसल को अपने बैकयार्ड में उसको डिग करके बंद मतलब गाड़ दिया. द टू ईयर पास, दो साल के बाद. वन डे सम पीपल्स फ्रॉम चेन्नई केम टू द विलेज. उनके गाँव में आए थे कुछ लोग. दे हैड कम ऑन पिलग्रिमेज टू सी बिरहदेश्वर टेम्पल इन तंजोर. द टेम्पल वॉज एन इम्पॉर्टेंट होली श्रिंग बिल्ड बाय द चोला किंग इन द 11th सेंचुरी. वन ऑफ द वुमेन इन अ ग्रुप वॉज वेयरिंग अ प्रिटी डायमंड नेकलेस. सुधा हु हैड गॉन टू द टेम्पल वॉज फैसिनेटेड बाय द नेकलेस. तो जो उनके अब उसमें दो साल के बाद जब एक दिन क्या हुआ, चेन्नई से कुछ लोग आए थे उसके गांव में. तो क्या हुआ, वो क्या देखने आए थे, रिलीजियस जर्नी करने आए थे, मतलब टेम्पल देखने आए थे. इसका बिरहदेश्वर मंदिर देखने आए थे तंजोर में. और वो भी एक टेम्पल किया था, बहुत ही पुराना पवित्र मंदिर था जो चोला किंग ने बनवाया था 11th सेंचुरी में. तो उसमें एक और जिसे बोलते हैं औरत आई हुई थी ग्रुप में, जिसने एक प्रिटी सा डायमंड सा नेकलेस पहना था, जो सुधा भी टेम्पल में गई थी पूजा करने. तो उस नेकलेस को देख के सुधा को बहुत ही पसंद आ गया. नाउ रिमेंबर सुधा एंड रोहन हैड बिकम रिच एंड रिस्पेक्ट. तो अब क्या हो गया, उनको याद था कि रोहन और जो सुधा हैं उन दोनों रिस्पेक्टफुल और रिचमैन हो गए हैं. सुधा वांटेड टू नेकलेस बैडली. सुधा चाहती थी उसको नेकलेस मिल जाए. बट कुड शी गेट इट, क्या वो उसको मिल सकता था. देन ही रिमेंबर्ड द वेसल. उसको फिर याद आया कि उसके पास तो वेसल है. एट वंस शी आस्क्ड द ग्रुप होम. तो उस जो उनके ग्रुप थे उसके बारे जो एट वंस शी आस्क्ड, उनसे वो कहती है कि ओवर द फूड ही रिक्वेस्टेड द वुमेन टू पार्ट विद द नेकलेस. सो सुधा कुड शो द डिज़ाइन टू हर ज्वेलर टू मेक अ सिमिलर डिज़ाइन. तो क्या हुआ, और ग्रुप्स को क्या करती है, जो उनके गाँव में आए हुए रहते हैं लोग, उनको अपने घर में खाने के लिए बुलाती है. खाना खाने के बाद वो रिक्वेस्ट करती है वुमेन से कि वो क्या अपने नेकलेस का कुछ पार्ट दिखा सकती है, जिससे वो अपने ज्वेलर को उस डिज़ाइन को दिखा के सिमिलर डिज़ाइन बनवा ले. तो वुमन वॉज इम्प्रेस बाय सुधा. वुमन सुधा से खुश रहती है, इसीलिए उसको दे देती है विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के उसको वो नेकलेस उतार के दे देती है. दैट इवनिंग सुधा वेंटेड टू द कोर्टयार्ड. और उसी शाम को कहाँ जाती है, कोर्टयार्ड में जाती है, वर द वेसल वॉज बरेड, जहाँ वेसल गड़ा हुआ रहता है. शी डग्ड इट, उसको खोदती है अप एंड थ्रो इट्स
इन द नेकलेस, क्या उसने सोचा कि वो खोदेगी और उसके अंदर नेकलेस डाल देगी। अनफॉर्चुनेटली ही अनफॉर्चुनेटली इन हर ग्रेड टू हैव नेकलेस अराउंड हर नेक, शी फॉरगेट द वेसल मैजिकल प्रॉपर्टीज एंड जंप इन टू टेक आउट द नेकलेस। ठीक है, तो वो जैसे डालती है उसके अंदर डाल देती है डक करने के बाद नेकलेस, तो अनफॉर्चुनेटली वो भूल जाती है उस तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो अपनी लालच में भूल जाती है और उस नेकलेस को जो है डालना था तो वो अपने आप उसके अंदर कूद जाती है और उससे कूद के नेकलेस को निकालने लगती है। नेकलेस को निकालते निकालते क्या होता है, उसके मैजिक वेसल के मैजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, जो भी कुछ डालोगे डबल हो जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर जाती है, सुधा भी इनसाइड वेसल के क्या हो जाता है, दो बन जाती है, दो सुधा हो जाती है। द टू वुमेन्स स्टार्टेड फाइटिंग ओवर हाउ वुड हु वुड हैव द नेकलेस, और वो लोग लड़ने लगती हैं नेकलेस किसके पास रहेगा। हियरिंग द नॉइस रोहन रस्टेड आउट, और उस आवाज़ से रोहन बाहर निकल के आता है। ही लैंडेड ओवर एंड लुक्ड इनसाइड and found two identical women inside the vessel। तो जैसे ही आवाज़ सुना उसको सुनाई देती है तो वो क्या करता है, वो झांकने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तो ये देखता है कि दो वुमेन हैं वेसल के अंदर, ईच लुक लाइक अ हिज वाइफ, और वो एक कैसी दिख रही हैं, दोनों एक जैसी उसकी वाइफ की तरह से लिख रही हैं दोनों वुमेन्स। और रोहन देख के क्या होता है, कन्फ्यूज होता है कौन सी रियल है उसकी वाइफ, उसको समझ नहीं आता। रोहन वेंटेड डाउन टू हेल्प द सुधा आउट ऑफ द वेसल, रोहन सुधा को बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए क्या करता है, वेंटेड आउट निकालने की कोशिश करने के लिए क्या करता है, कहता है तो रोहन आई एम योर वाइफ। तभी उनकी वेसल में से क्या होने लगता है, वो चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे पहले निकालो, मेरी मदद करो। सेकंड वुमन तभी रीच नो आई एम सुधा हेल्प मी फर्स्ट, तो क्या फिर सेकंड वाली वुमन भी बोलती है, कहती है क्या कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, आई एम सुधा हेल्प मी फर्स्ट, तो मुझे पहले मदद करो। ईच वन प्लीस्टेड विद रोहन दैट शी वॉज हिज रियल सुधा, दोनों ही एक कहती है कि मैं तुम्हारी सुधा हूँ, रियल सुधा हूँ, और वो दूसरी वाली बोलती है मैं तुम्हारी सुधा हूँ, मेरी मदद करो। रोहन वॉज परफ्लेक्स्ड, ही वॉज ऑल्सो अनॉयड एट हिज वाइफ ग्रीड। अब उसके बाद वो क्या होता है, वो उसके लालच से, वाइफ की लालच की वजह से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। यू फुलिश वुमेन, वो फिर दोनों को चिल्लाता है बहुत तेज़ी से, लुक व्हाट योर ग्रीड हैज़ डन, हमारी लालच ने क्या किया। पुअर सुधा शी वॉज इन टीयर, वो जो बेचारी सुधा होती है वो रोने लगती है। ओके काम डाउन नाउ आई लेट्स थिंक ऑफ अ वे आउट सेड द रोहन, रोहन तभी जब चिल्ला उसको डांटता है तब रोहन सुधा क्या होती है, रोने लगती है। तभी रोहन क्या कहता है, काम डाउन शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे कुछ आइडिया सोचता हूँ। वी मस्ट ऑल्सो शॉर्टेड आउट हाउ हु माय रियल सुधा इस, तो वो क्या कहता है, मुझे शॉर्टेड आउट करना दो कि कौन रियल सुधा है। सो ही सेटेड डाउन, और वो बैठ जाता है और सोचने लगता है। इनसाइड द वेसल वेसल ऑल्सो काम हर सेल्फ डाउन, तो सुधा भी अंदर अपने आप को काम डाउन कराते हैं। एट वंस हर क्लेवर माइंड केम अप विथ एन आइडिया, फिर उसके जब शांत हो जाती है तब उसके माइंड में जो बोलते चला है, माइंड में एक आइडिया आता है। क्या आता है, रोहन शी क्राइड, वो चिल्लाती है रोहन वाई डोंट यू ऑल्सो जम्प इन, क्या है तुम भी अंदर क्यों नहीं आ जाते। देन देयर विल बी टू ऑफ ईच, क्या हो जाएगा, तुम भी दो हो जाओगे। देयर विल बी टू रोहन टू सुधा, देन एवरी वन विल बी सेटिस्फाइड, तो क्या होगा, दो रोहन और दो सुधा हो जाएंगे और दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएगा। रोहन हियर्ड इट थॉट इट वॉज अ वंडरफुल आइडिया एंड प्रमोटली जम्प्ड इट इन, और उसके अंदर चला जाता है और तो वो जंप कर जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो भी डबल हो जाता है, रोहन भी डबल हो जाता है। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इफ़ वन डज नॉट नो टू विच पोर्ट इज सेलिंग नो विंड इज फेवरेबल, मतलब अगर सेलर को पता नहीं हो कि हमें किस जगह पे जाना है, किस पोर्ट पे जाना है, तो हमारे लिए विंड कोई भी फेवरेबल नहीं होती है। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड, कंप्लीट योर प्रीवियस चैप्टर, थैंक यू।